औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूब व दवाया व आफ़ियतिल अब्दान व शिफाया व नूरुल अबसार व ज़ियाया व आलिही व सहाबिही दाइमन अबदा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वासिल उम्मे सेंटर के साथ आपका मेज़बान हाज़िर ख़िदमत है। आम तौर पर लोगों को गैस की शिकायत होती है, कहा यह जाता है कि जी हमें गैस हो रही है, और ये गैस मैदा में हो या पेट में हो, ये बनती तो ज़रूरी है और ये कुदरती तौर पर बनती भी है और इसका अखराज भी हो जाता है, ये पास भी हो जाती है। जब ये मसला थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब होता है तो मरीज़ इसके मतलब कॉशियस होना शुरू हो जाती हैं। फिर इसमें दो तीन तरीक़ों से इलाबात आना होती हैं कि क्योंकि हर मरीज़ की अपनी एक राय होती है और उसके मुताबिक वो अपनी इलामात का इजहार कर रहा होता है। कुछ मरीज़ ये इजहार करते हैं कि जी डिकारें आ रही हैं, गैस हो गया है। अब ये डिकारें जो हैं ये गैस आने को, गैस की तकलीफ़ का इजहार है, या पेट में फुलावट बहुत ज़्यादा हो गई है, पेट फूल गया है, पेट बढ़ रहा है, तो या गैस का अखराज हो रहा है, तो ये भी पेट में गैस होने के इलामात में शुमार होता है। चूँकि हर मरीज़ की राय अपनी अपनी होती है तो मरीज़ बाज़ औक़ात अमूमी इलामात को ख़ास इलामात के तौर पर पेश करना शुरू कर देता है और महसूस करता भी है और महसूस करवाता भी है। मतलब अब जैसे कि अब डिकारें अगर आ रही हैं तो ये किसी ख़ास बीमारी की वजह से नहीं होती। डिकारों का आना कोई ख़ास बीमारी नहीं है, बाज़ औक़ात हवा अंदर जा रही होती है और हवा की कैफियत ये है कि हम अपने खाने के साथ ही हवा भी साथ साथ खा रहे होते हैं, और जब इन्हीं इलामात की तरफ तवज्जो ज़्यादा होती है तो गैर महसूस तरीके से हवा भी ज़्यादा मैदे के अंदर, जिस्म के अंदर जाना शुरू हो जाती है, तो हाजमा ख़राब होता है, डिकार आते हैं, दिमाग का तनाव साथ होना शुरू हो जाता है, पेट फूलना शुरू हो जाता है, पेट में तनाव शुरू हो जाता है, और ये सारा कुछ जो है ये गैस के ज़ुमरे में लिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होता, और भी कई बीमारियां होती हैं जो कि इन इलामात का पेश खैमा साबित हो रही होती हैं। खुराक के अंदर बाज़ औक़ात ऐसे अज्ज़ा, ऐसे मुरक्कबात मौजूद होते हैं जिनकी वजह से गैस जैसी इलामात आश्कारा होना शुरू हो जाती हैं। अब आपको मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि ये जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत को ले लीजिए, निज़ाम हज़म के दौरान इसमें जो कुछ जरासीम की शक्ल में भी आ रहा, इसमें जो कुछ भी होता है उसमें कुछ जरासीम की शक्ल में भी आ रहे होते हैं जो कि गैस पैदा करने का मूजिब बन रहे होते हैं, और दिमाग के तनाव को, खाने पीने के अवामिल को मद्दनज़र रखें तो ये ऐसी परेशानियों से बचा जा सकता है। क्योंकि इस किस्म की इलामात जब आती हैं तो खाने पीने के अवामिल को और दिमागी अवामिल को अगर बुरुएकार लाया जाए तो इन तमाम अमराज से बचा जा सकता है। जिन जिन चीज़ों के खाने से तकलीफ़ होती है उन चीज़ों से अवॉइड किया जाए, परहेज़ किया जाए। अब बस मिसाल के तौर पर
अगर किसी बंदे को दूध रास नहीं आता तो वो दूध से इज्तनाब कर दे, बेकरी की चीज़ों से इज्तनाब करें, सॉफ्ट ड्रिंक से इज्तनाब करें, फास्ट फूड से इज्तनाब करें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे अगर हम बचें तो पेट में गैस का तन भी पैदा नहीं होगा। फिर जो एक बड़ा अहम है कि लोग गैर ज़रूरी तौर पर कुछ अद्वियात खा रहे होते हैं, गैर ज़रूरी अद्वियात खाने से भी इस किस्म की तकालीफ या इलामत आना शुरू हो जाती हैं। गैर ज़रूरी तौर पर लोग ताकत के अद्वियात खाना शुरू हो जाते हैं, उनसे भी ये तकालीफ शुरू हो जाती हैं। तो ये था गैस बनने के हवाले से आज का हमारा छोटा सा कंटेंट। उम्मीद है वासिक है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और जो लोग आज पहली दफ़ा हमारे चैनल के साथ वाबस्ता हो रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि इसी किस्म की मालूमात पर आने वाली हमारी जो अगली वीडियोज़ हैं उनको नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप फ़ायदा ले सकें। नेक तमन्नाओं के साथ अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।